टोटल एमबीबीएस के ड्यूरेशन में आपको पर्टिकुलर कितना सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, जो कि टोटल जो इंडिया के अंदर चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या सेमी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट कॉलेज हो, तो जो ड्यूरेशन टोटल होता है 4 साल से लेके 4.5 साल और इंटर्नशिप लेके 5 साल। तो अप्रॉक्स इंडिया के अंदर आप 5 साल के अंदर टोटल एमबीबीएस करते हैं, या आप अब्रॉड में जाते हैं किसी और कंट्री में, जैसे कि मान लीजिए बांग्लादेश जा रहे हैं, नेपाल जा रहे हैं, चाहे रसिया जा रहे हैं, कजाकिस्तान जा रहे हैं, उज्बेकिस्तान जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं, फिलीपींस जा रहे हैं, तो पर्टिकुलर अब्रॉड में कितना आपको ड्यूरेशन मिलता है, जो कि किसी किसी कंट्री में 5 साल का होता है, एमबीबीएस किसी कंट्री में 6 साल का होता है। तो ओवरऑल बात किया जाए कि टोटल एमबीबीएस के ड्यूरेशन में आपको पर्टिकुलर कितना सब्जेक्ट्स को स्टडी करना है, कितना आपको सब्जेक्ट्स पढ़ना है और कौन कौन से ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला आपको 19 सब्जेक्ट्स स्टडी करना है टोटल एमबीबीएस के ड्यूरेशन में, यानी कि आप बैचलर डिग्री जब ले रहे हैं, यानी कि बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी एक ग्रेजुएशन डिग्री ले रहे हैं, इस ड्यूरेशन में 4.5 साल से लेकर 5 साल या अब्रॉड 6 साल के ड्यूरेशन में आपको टोटल 19 सब्जेक्ट्स को कवर करना पड़ेगा। अब ये 19 सब्जेक्ट्स कौन कौन सा है, तो मैं एक बार यहाँ पे आपको नाम गिना देता हूँ, जो कि आपको एनाटोमी है, फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, चाहे पीएसएम है, फार्माकोलॉजी है, पैथोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, इसके साथ साथ मेडिसिन है, सर्जरी है, ऑप्स गायना है, ऑप्थेमोलॉजी है, पीडियाट्रिक्स है, ईएनटी है, रेडियोलॉजी है, फोरेंसिक है, ऑर्थोपेडिक्स है, साइकेट्रिक, डर्मेटोलॉजी और एनेस्थेसिया। तो ये जितने हैं टोटल 19 सब्जेक्ट्स है। और अगर इसका बात किया जाए कि जो एमसीआई में कितना मार्क्स का ये एक के सब्जेक्ट्स ऑब्टेन करता है, कितना मार्क्स आपको पर्टिकुलर उसमें एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपको, मान लीजिए आप इंडिया से कर रहे हैं चाहे अब्रॉड से कर रहे हैं, तो यहाँ से अपना ग्रेजुएशन कम्प्लीट करने के बाद से किसी भी कंट्री से फिर आपको वहाँ पे नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना होगा या एमसीआई का एग्ज़ाम देना होगा। अभी फ़िलहाल तो एमसीआई ख़त्म हो गया है और उसको नेक्स्ट में बदलाव होने वाला है अभी रूल के हिसाब से। तो फर्दर जो फर्दर नेक्स्ट का एग्ज़ाम आप दीजिएगा, अपीयर होइएगा, तो उसमें पर्टिकुलर कितना मार्क्स एक सब्जेक्ट कंटेन करता है, जो कि मान लीजिए अगर हम प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स की बात करें, जैसे कि मान लीजिए एनाटोमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री है, तो ये पर्टिकुलर 17 मार्क्स एक सब्जेक्ट एक्वायर करते हैं। मान लीजिए एनाटोमी 17 मार्क्स का एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, फिजियोलॉजी में 17 मार्क्स का आता है, बायोकेमिस्ट्री में 17 मार्क्स का आता है। और वही अगर पारा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स की बात करें, जैसे कि पीएसएम है, फार्माकोलॉजी है, पैथोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, तो पर्टिकुलर पीएसएम से आपका 30 क्वेश्चंस आता है, 30 मार्क्स का क्वेश्चंस उसमें आते हैं, फार्माकोलॉजी से 13 मार्क्स का आता है, पैथोलॉजी से 13 मार्क्स का आता है, माइक्रोबायोलॉजी से अप्रॉक्स 13 मार्क्स का आता है। और अगर क्लिनिकल सब्जेक्ट्स की बात किया जाए, जैसे कि मेडिसिन हो गया, सर्जरी हो गया, ऑप्स गायना हो गया, तो मेडिसिन से पर्टिकुलर 30 से 35 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, वही सर्जरी का भी 30 से 35 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, ऑप्स गायना का अप्रॉक्स आपको 30 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, वही अगर ऑप्थेल्मोलॉजी, पीडियाट्रिक्स और ईएनटी की बात की जाती है, पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, रेडियोलॉजी और फॉरेंसिक्स से अप्रॉक्स आपका 10-10 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, और जितना छोटा छोटा सब्जेक्ट्स है, जैसे कि ऑर्थो हो गया, साइकेट्रिक, डर्मा और एनेस्थेसिया, इन सभी से 5-5 मार्क्स का, तो टोटल मिला करके आपका 300 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं और वो अपना एग्ज़ाम दीजिएगा, और 150 मार्क्स आपका पासिंग होता है, जो कि आप इतना अगर ला लेते हैं तो आप वहाँ पर क्वालिफाई कर जाते हैं, यानी आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। तो पर्टिकुलरली ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, या आपको 4.4 ईयर के ड्यूरेशन में पढ़ना है, तो हम इसमें अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि कौन कौन सा है। फर्स्ट ईयर में जैसे कि आपको एनाटोमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री पढ़ना होता है, सेकेंड ईयर में जब आप जाइएगा तो उस ड्यूरेशन में आपको फार्माकोलॉजी पढ़ना होता है, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना होता है, उसके साथ साथ को पैथोलॉजी पढ़ना होता है, और थर्ड ईयर में जब आप जाइएगा तो थर्ड ईयर में ऑप्थेल्मोलॉजी पढ़ना होता है, पीडियाट्रिक, ईएनटी, और जितने रिमेनिंग सब्जेक्ट्स बढ़ते हैं वो फोर्थ ईयर से लेकर 4.4.5 एंड ईयर, यानी कि पूरा जब तक कि एमबीबीएस आपका कंप्लीट नहीं होता उस ड्यूरेशन में जाएगा आपका पूरा कंप्लीट। यानी कि ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि टोटल ड्यूरेशन में 4.5 साल या 5 साल के अंदर में आपको पर्टिकुलर 19 सब्जेक्ट का स्टडी करना है, और फिर उसके बाद आपको एग्जामिनेशन देना है, फिर उसमें अपीयर होना है, और जितना आप अच्छा स्कोरिंग करते हैं तो आपका रिजल्ट अच्छा आता है। ओवरऑल अगर वही हम बात करें किसी और कंट्री के बारे में, जैसे कि अब्रॉड के बारे में, अब्रॉड पर मैं ऑलरेडी बहुत सारा ऐसा कंटेंट और वीडियो बना चुका हूँ, आप प्लीज़ मेरे चैनल पर जरूर विजिट करिए या एंड स्क्रीन पर मैं जरूर डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाएँ और देखें कि पर्टिकुलरली अब्रॉड में जो वहाँ पे स्टूडेंट जाते हैं, स्पेशली किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रसिया, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है, उसमें पर्टिकुलर कितना सब्जेक्ट्स उनको पढ़ना पड़ता है 6 साल के ड्यूरेशन में, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स ज़्यादा पढ़ने पड़ते हैं, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो पर्टिकुलरली मिला जुला करके यही था कि आपको एमबीबीएस के ड्यूरेशन में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं और क्या क्या उनमें सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से ईयर में है।
तो होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव MBBS से या उससे रिलेटेड या एब्रॉड MBBS रिलेटेड आपको जानकारी मिलता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अगर आप MBBS रिलेटेड कोई जानकारी लेना चाहते हैं एब्रॉड में, स्पेशली किर्गिस्तान में किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर होगा या इंस्टाग्राम या फेसबुक आईडी होगा, तो आप मुझे वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।